कच्चे कर्मचारियों को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल कच्चे कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर वेतन मिलेगा। इसके साथ ही कच्चे कर्मचारियों को रिटायर होने तक उनकी सेवा सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा कैबिनेट की बैठक में एक एक्ट लाया गया जिससे कि आगे इसे कोई चुनौती ना दे सके। सीएम नाब सिंह सैनी की इस घोषणा से हरियाणा के करीब 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। कैबिनेट की बैठक में सीएम नाब सिंह सैनी ने किसानों और पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKIN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगा, अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी का भी लाभ मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के भी पात्र होंगे कि 15 अगस्त 2024 तक जो भी कर्मचारी उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। ऐसे जो 5 साल हुए हैं उनको, जैसे मैंने कहा है कि उसका न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक मिलेगा। जिन्हें 8 साल या अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक मिलेगा। जिन्हें 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक मिलेगा। ये आज कैबिनेट ने सर्वसम्मति से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि लगभग 1,20,000 हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। चालू खरीफ की फसल, इस सीजन की जो खरीफ की फसल है, सारी फसलों के ऊपर हम बोनस देने का निर्णय आज हमारी कैबिनेट की इस बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया है। और हर फसल पर किसानों को प्रति एकड़, हमने आज कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया है कि 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। अगर मेरा किसान 1 एकड़ या उससे कम की जमीन उसके पास है उसको भी हम 2,000 रुपए देने का काम बोनस के रूप में करेंगे। ये हमारी कैबिनेट ने आज निर्णय किया है। मैं सभी किसान भाइयों से आज अपील करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के, कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर वो अपनी अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा लें ताकि उनके खाते के अंदर हम ये राशि भेज सकें। क्योंकि हम देखते थे कि हमारे पत्रकार भाई लगातार बहुत मेहनत और पसीना बहाते हैं, गर्मी के अंदर भी, बरसात के अंदर भी, सर्दी के समय के अंदर भी, और डीपली जाकर के उसकी समस्या का उठाने का काम करते थे। तो उसके लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये पेंशन का प्रावधान किया था, उसमें कुछ दिक्कतें थी, आज हमने उनको डिलीट किया है जो मैंने आपके साथ शेयर की है।